तो दोस्तों अगर आप Redmi का मोबाइल यूज कर रहे हैं और Redmi के मोबाइल में थीम स्टोर में जाके कोई भी थीम को अप्लाई करते हैं, अप्लाई करने के बाद अगर उस थीम को अनइंस्टॉल करना है, अनइंस्टॉल वाला ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहा है, तो कैसे आप उस थीम को अनइंस्टॉल कीजिएगा वो मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे थीम को ओपन करता हूँ, ओपन करने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है प्रोफाइल का, प्रोफाइल पे जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद थीम वाले ऑप्शन में जाते हैं। थीम वाले ऑप्शन में जाने के बाद जो भी थीम को आपने अप्लाई किया, जैसे इस थीम को मैंने यहाँ पे अप्लाई करके रखा हुआ है, अगर मैं इस पे क्लिक करता हूं, क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं ये थीम को अनइंस्टॉल करने का या डिलीट करने का ऑप्शन कहीं पे भी शो नहीं होगा। ये आपको कहीं पे भी ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। नीचे में आपको कस्टमाइज वाला ऑप्शन मिल जाता है और अप्लाई वाला ऑप्शन देखने को मिल जाता है, पर डिलीट वाला ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है। उसके अलावा दूसरे थीम के बारे में बात करें, जैसे ये थीम है, इस थीम पे अगर क्लिक करूंगा, क्लिक करने के बाद ऊपर में देखिए थ्री डॉट वाला ऑप्शन देखने को मिल जाता है और इस पे जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे डिलीट वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा और इस पे जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये थीम यहाँ से डिलीट हो जाता है। पर जो थीम आपने अप्लाई करके रखा हुआ अगर डिलीट नहीं हो रहा है तो सबसे पहले जो डिफॉल्ट थीम आप यहाँ पे यूज कर रहे हैं उस थीम को आपको यहाँ पे अप्लाई कर लेना है। मैंने इस थीम को यहाँ पे अप्लाई कर लिया। अप्लाई करने के बाद आपको यहाँ से बैक हो जाना है। बैक होने के बाद अब उस थीम को आपको यहाँ पे सेट करना है और सेट करने के बाद ऊपर में आपको थ्री डॉट वाला ऑप्शन देखने मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे डिलीट पे क्लिक कर देना है। तो इस प्रकार से जो भी अप्लाई किया हुआ थीम है और उसको डिलीट करना चाहते हैं तो आप इजी तरीके से कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा हो कमेंट करके जरूर बताएं।